टाइम से रस्म चलती आ रही है। जब कोई ऐसी बात हो जाती है, हादसा हो जाता है बहन के साथ, तो हमें जाना होता है, तो वहाँ भाई के नाम की चूड़ी पहनाई जाती हैं। और 13वीं के बाद फिर जो पौन महीने का बामन होता है, हमारे यहाँ तो यही बोलते हैं कि पौन महीने का बामन, उसके बाद जो बहन होती है हमारे घर आती है, तो हमारे यहाँ आती है तो भाई का ही जो भी श्रृंगार होता है, बिंदी है, और जो एक बिछिया पहनती है वो भाई के नाम का ही पहनती है। नहीं लगता है कि हमारी बहन है वो ऐसे रहे। देवी के दिन पापा जी ने ओम शांति हवन भी हुआ था, हवन भी कराया था जीजा जी के लिए, काम सारे हुए थे। और आप कहते हो कि उनका लास्ट फोटो नहीं दिखाया, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उसको दिखा नहीं पाते हैं। बात बताइए कि कोई भी सही, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हम एक चीज़ पहले इसी चीज़ से हम गुज़र चुके हैं और फिर दोबारा हम आपको उस चीज़ को दोहरा के दिखाएं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं होती है। और हिम्मत करने के लिए वो मेरी बहन है, मुझे ही पता है कि कितनी हिम्मत है उसमें, वो दोबारा से सबको संभाल रही है। और संभालने लायक अभी उसकी इतनी एज नहीं है, मुझसे 2.5 साल छोटी है वो। ये ब्लॉग है तो ब्लॉग उसी चीज़ का है, हमारे यहाँ घर पे आई थी। रही बात कि आपने पहले क्यों नहीं डाला, अच्छा नहीं लगता कि मैं पहले से ही आपको बताऊं, क्योंकि जो बताने लायक चीज़ होती है तो सपना आपको खुद ही बता देती है, और जो चीज़ उसके दायरे नहीं होती है कि वो नहीं बता पाती, तो मैं आपको अपडेट दे ही देता हूँ।
बाय।